राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम जारी किया जाता है, जिसमें परिवार के अन्य सभी पात्र सदस्यों के नाम भी शामिल होते हैं। राशन कार्ड में परिवार के जितने सदस्यों के नाम होते हैं, अपने सदस्यों के अनुसार प्रति यूनिट के अनुसार प्रति महीने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से बाजार की अपेक्षा कम दामों पर राशन दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि राशन डीलर के द्वारा राशन कार्ड धारक व्यक्ति को सरकार के निर्धारित की गई मात्रा के अनुसार राशन नहीं देते हैं। ऐसे में राशन कार्ड धारक को राशन कार्ड डीलर की शिकायत करनी चाहिए, ताकि लोगों को पूरा राशन मिल सके। आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि राशन डीलर के खिलाफ शिकायत कैसे की जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि खाद्य विभाग के द्वारा भारत के सभी राज्यों के नागरिकों को राज्य सरकार के द्वारा राशन कार्ड जारी किया जाता है। राशन कार्ड धारक को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए सभी राज्य के खाद्य विभाग के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आप अपने राज्य के अनुसार इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके राशन डीलर की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन कई बार इन नंबरों पर संपर्क नहीं हो पाता है, ऐसे में आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। अगर आप राशन कार्ड डीलर के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ बताए गए स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। राशन कार्ड डीलर की शिकायत दर्ज करने हेतु आपको सबसे पहले nfsa.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। यह वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए सिटीजन कॉर्नर के सेक्शन में ऑनलाइन ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप नए पेज पर पहुँच जाएंगे। इस पेज पर आपको भारत के सभी स्टेट के नाम देखने को मिलेंगे। यह आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। अब आप खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको शिकायत दर्ज करें विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप खाद्य एवं रसद विभाग कॉल सेंटर के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको शिकायत से जुड़ा फॉर्म मिलेगा। यहाँ आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। इस फॉर्म में आपको अपना मोबाइल नंबर, जिला, नाम, ईमेल और अन्य जानकारी भी भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको कैप्चर कोड डालकर नीचे दिए गए दर्ज करना होगा। क्लिक करते ही राशन डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और आपको शिकायत संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगले 15 दिनों के भीतर आपकी शिकायत पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो राशन डीलर के खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।